आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, पूछा गया है या फिर बोला गया है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। पहला है रोल ऑफ म्यूटेशन इन स्पीशिएशन। यहाँ पहला ही बोला गया है रोल ऑफ म्यूटेशन इन स्पीशिएशन। तो पहले डिस्कस करते हैं म्यूटेशन का। म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बेस पेयर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्लाइटली चेंज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी है उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं, और यही फिर क्या होता है, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है और ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो म्यूटेशन जो है ये जब चेंजेस प्रोवाइड करता है बॉडी में, तो कुछ ऐसे म्यूटेशंस ये ऐसे वेरिएशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने का मतलब ही वो एनवायरनमेंट में नेचुरली सिलेक्टेड हो जाते हैं, और जैसे ही नेचुरली सिलेक्टेड होते हैं एनवायरनमेंट में तो उनका प्रोजेनी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज करता रहता है, और जैसे ही इंक्रीज करता रहता है तो वो जो अलग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड हुआ ड्यू टू म्यूटेशन या फिर ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन द जीन, तो वो जो इंक्रीज हुआ प्रोजेनी या फिर ऑर्गेनिज्म का नंबर, तो वो लोग इंक्रीज होते होते न्यू ऑर्गेनिजम्स या फिर न्यू काइंड ऑफ स्पीशीज जो है तैयार किए फ्रॉम एंसेस्टर, जो पुराने स्पीशीज थे। तो यही जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए इसी को स्पीशिएशन कहा जाता है, जो कि म्यूटेशन से ही प्रोवाइड हुए। तो यही मेन शॉर्ट नोट होता है म्यूटेशन का रोल, जो कि स्पीशिएशन को प्रमोट करता है यानी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है ड्यू टू स्मॉल चेंज इन द जेनेटिक वेरिएशंस। और बेसिकली ये स्मॉल चेंज कैसे होते हैं, तो ये एब्रप्ट होते हैं यानी इनका कोई डायरेक्शंस नहीं होता है, ये रैंडमली कहीं पे भी चेंज हो जाते हैं बिना किसी प्री एजम्पशन के, और ये जो चेंज होते हैं रैंडमली ये फिर कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन इन इवोल्यूशन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि माना जाता है कि एनवायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा या फिर सबसे फास्ट रिप्रोड्यूस करेगा, और वो प्रोड्यूस करेगा वायबल ऑफस्प्रिंग जो कि रिप्रोड्यूसेबली एक्टिव हो, वो क्या होगा, वो एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा दिन लिव करेगा और उसका जो नंबर ऑफ प्रोजेनीज है और फ्यूचर जेनरेशन है वो भी डे बाय डे इंक्रीज करेगा। और ऐसे ही इंक्रीज करते करते ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए एक छोटा चेंजेस हुआ तो वो क्या होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, और ऐसे ही छोटे छोटे वेरिएशंस और जो रिप्रोडक्शन है उनके साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन बहुत बड़ा चेंजेस होता है इन सबको लेके, जिसका नाम होता है इवोल्यूशन। और यही इवोल्यूशन जो है ये छोटे छोटे चेंजेस और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन यानी जो ऑर्गेनिज्म सबसे फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें सबसे ज्यादा वेरिएशंस भी पाए जाते होंगे, और ऐसे ही इवोल्यूशन जो है वो नेचर में टेक प्लेस करता है। तो ये हो गए हमारे दोनों शॉर्ट नोट्स दोनों क्वेश्चन के। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।